आरोप लगे हैं। इस रिपोर्ट की वजह से राजनीतिक गलियारों में सियासी वार पलटवार एक बार फिर से तेज हो गए हैं। बीते साल अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने नया दावा किया है। हिंडनबर्ग ने अब सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है, उसी ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का स्टेक है। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। सेबी चीफ और उनके पति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाला बताया गया। हिंडनबर्ग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और जेपीसी से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कांग्रेस को घेरा। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी, ये तो सबके सामने है ना। हाँ या ना का जवाब है ये तो। हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार वरिष्ठ एडवाइजर थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेबी चीफ को उस भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी दी गई जिसमें खुद उनका पैसा लगा था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सेबी चीफ और उनके पति ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ पर आरोप लगाए हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। फिलहाल माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन हैं और मार्केट रेगुलेटर की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर आरोप लगाए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी ने जांच की थी और जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।